वेलकम बैक टू माय चैनल चिल टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हेल्दी राइस बाउल रेसिपी। तो ये देखिए, तो मैंने सारी वेजेस डाल दी हैं कट करके। आपके पास जो भी वेजेस है उसको हम करेंगे हल्का सा सौते। इसमें डाला है मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और साइड में हमने जरा सौते होने के लिए रख दिए हैं पनीर, थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे। तो देखिए अब पनीर को पलट देते हैं। इस पर ही मैंने ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स डाल दिया है पनीर पर, बस यही डाला है। तो आज हम प्रिपेयर करेंगे हेल्दी राइस बाउल। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है, और इसके ऊपर भी जाएगा थोड़ा सा ऑर्गेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए हमारा चिली फ्लेक्स और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इस तरीके से, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बस इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको सौते होने देंगे, फ्राई क्रिस्प हो जाएगा। हमारी वेजेस हो चुकी हैं, और राइस बाउल के लिए हमने जो राइस है पहले से ही बॉइल करके रख लिया है। अभी इसके लिए हम राइस भी रेडी करेंगे थोड़ा हल्का सा। तो उसको एक पैन में हम निकाल लेंगे सब सब्जियों को पूरी हीट पे करेंगे ताकि इनका क्रंच बना रहे, क्रिस्पी रहे हमारी वेजेस। ये देखिए ये हो गई है रेडी, और हम इसके लिए अपना राइस रेडी करेंगे। ये बिना ग्रेवी वाला राइस बाउल है। तो देखिए हमने राइस निकाल दिया है। इस राइस में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें चिली फ्लेक्स डाला था नीचे की तरफ, मैंने डाल दिया। उसमें डालेंगे थोड़ा सा हम अपना चिली सॉस, और थोड़ा सा रेड टमाटो चिली सॉस हल्का सा फ्लेवर के लिए, बस दैट्स इनफ। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स एंड मिक्स। ये देखिए पनीर हमारा सौते होता रहेगा। ये देखिए थोड़ा चावल में कलर आ जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा राइस हो चुका है, बस 2 मिनट और इसको करेंगे। आइए अब हम कर देंगे प्लेटिंग अपनी सारी वेजीज की। मैंने इधर साइड से निकाल के रख ली थी, अब मैं साइड में डालूंगी वेजीज इस तरह से, जितनी हमारी फ्राइड वेजीज थी इस तरह से। ये हमारा एक राइस बॉल रेडी हो गया है बन करके इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा टेस्टी राइस बॉल रेडी है। और इधर हम लगाएंगे अपना क्रिस्प हुआ हुआ पनीर इस तरह से। तो बहुत ही हेल्दी प्रोटीन और फ्लेवर से फुल हमारा राइस बॉल रेडी है। तो कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि ये राइस बॉल रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।